से, मेरा नाम मोहम्मद है। बुनियाद कार्यक्रम संभावना संस्था पिछले कई वर्षों से युवा कार्यकर्ता और विद्यार्थियों के लिए आयोजित करते हैं। सामाजिक बदलाव और विकास की जो राजनीति है उस पर समझ गहरी करने के लिए और ये बदलाव की प्रक्रिया कैसे होती है उसके लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। जगह बहुत ही खूबसूरत है जिसकी वजह से नेचर की जो हार्मनी है वो आपके अंदर भी आ जाती है। जो ये कैंपस का जो एक पॉजिटिव ऑरा है ये आपके अंदर बहुत आ जाता है जिसकी वजह से आप खुद पॉजिटिव हो जाते हैं। And there's a platform for discussion. So we have debates going on, we have group discussion sessions, and then there's movie screening. Session that we had for 2 days, and they were inquisitive, they challenged us, and we had very good conversations. It was very enjoyable to learn from them and converse with them. निजीकरण का दौर था या जो नव उदारवादी दौर था वो अभी शुरू नहीं हुआ था लेकिन वो शुरू होने वाला था। आप किसी को ये ब्लेम नहीं कर सकते कि उसकी जाति क्या है, है ना? जन्म के आधार पे नहीं करते। अब मैं पैदा हुआ हूँ तो उसका मेरा कंट्रोल नहीं है उसके। अब मेरे मुझे चीजों को दूसरे तरीके से, दूसरे लेंस से देखने का तरीका पता चला है। और जैसे ये हम विकास सोचते हैं कि विकास हो रहा है, पर विकास का एक दूसरा मतलब भी पता चला है कि विकास का मतलब ये कि प्रकृति का हम कैसे विनाश कर रहे हैं। आने के बाद ये चीज़ ध्यान आ रही है कि जितनी भी हमारी लर्निंग रही है भविष्य में काम करने के लिए, धरातल पे काम करने के लिए, लोगों के बीच में काम करने के लिए हमको अनलर्निंग की ही उतनी आवश्यकता है। हाँ, मैं काम करता हूँ, इस तरह की वर्कशॉप होता नहीं है। ओके। तो हमारी जो बौद्धिक शक्ति है वो बढ़ नहीं पा रहा था, केवल हमें संघर्ष मनोरोधों पे करना पड़ रहा था। इस तरह से शांति माहौल में प्रकृति के बीच में आज तक ऐसा मैंने किया नहीं था, तो मेरे लिए बिल्कुल एक नया और एक नए मनोशक्ति के साथ सामने आ रहा। देयर वर क्वेश्चंस लाइक दोस वर हिटिंग यू। अलग ये हुआ कि मैं उन मुद्दों की गहराई तक पहुंच पाया। Okay. पूंजीवाद है, जातिवाद है, जेंडर है, हम उन पे बहुत बातें करते दिल्ली में, लेकिन उनकी गहराई समझना, एक फोकस स्पेस में बात करना, उन चीज़ों को समझना। यहाँ पर आए तो बहुत जगह के, बहुत राज्यों के साथी सबसे दोस्ती हुआ और उनसे भी कुछ सीखे और अच्छा तरह से इस मिलजुल करके खाना पीना और मज़े से उसका क्या संघर्ष है, वो क्या करते हैं, उसके बारे में सीखे हैं यहाँ आकर। मेरे बहना मांगे आजादी, तू क्यों ना दोगे आजादी, हम लेकर रहेंगे आजादी।